नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 72 नामों को आगे किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी उन सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। इन सीटों में से एक सीट है केसरगंज की। पहली लिस्ट में भी केसरगंज की सीट शामिल नहीं थी, दूसरी लिस्ट में भी केसरगंज की सीट शामिल नहीं है और केसरगंज सीट है ब्रजभूषण शरण सिंह की। केसरगंज की सीट पर पेच फंसने की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा भी या विवादित बयानों के चलते, यौन शोषण के आरोपों में घिरे होने के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह का पत्ता कट होता हुआ नजर आएगा, और अगर पत्ता कट होगा तो क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं, सुनिए जरा। लगातार सांसद भाजपा के ब्रजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है, अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहां से कैसी चर्चाएं चलती है। डिंपल यादव को आपने सुना, वो यहाँ पर मुस्कुरा रही हैं, इशारा दे रही हैं कि अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन क्या बात होती हुई नजर आएगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को जगह मिलेगी समाजवादी पार्टी में? क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का दूसरे लिस्ट में भी नाम शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं इशारा यही दिया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह खेल बिगाड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि हम तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।